गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा अपनी उच्च प्रवेशिका है, विषय अपना हिंदी होगा। पिछली वीडियो में अपनों ने 2, 3, 4 वर्णों के शब्द कर लिए। आज अपने क से लेकर ग तक आ की मात्रा लगाएंगे और कुछ शब्द भी बनाएंगे। पहले अपने मात्रा लगाते हैं क से लेकर ग तक। तो क पर आ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा? का। ख पर आ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा बेटा? खा। ग पर आ की मात्रा लगी तो गा। घ पर आ की मात्रा लगी तो घा। और अड़ पर आ की मात्रा लगी तो अड़ा। उसके बाद में बेटा च पर आ की मात्रा लगी तो चा। छ पर आ की मात्रा लगी तो छा। ज पर आ की मात्रा लगी तो जा। झ पर आ की मात्रा लगी तो झा। और अण पर आ की मात्रा लगी तो अणा। उसके बाद में ट पर आ की मात्रा लगी तो टा। ठ पर आ की मात्रा लगी तो ठा। ड पर आ की मात्रा लगी तो डा। ढ पर आ की मात्रा लगी तो ढा। और अण पर आ की मात्रा लगी तो अणा। उसके बाद में बेटा त पर आ की मात्रा लगी ता। थ पर आ की मात्रा लगी था। द पर आ की मात्रा लगी दा। ध पर आ की मात्रा लगी धा। और न पर आ की मात्रा लगी तो ना। उसके बाद में बेटा प पर आ की मात्रा लगी पा। फ पर आ की मात्रा लगी फा। ब पर आ की मात्रा लगी तो बा। भ पर आ की मात्रा लगी तो भा। और म पर आ की मात्रा लगी तो मा। उसके बाद में य पर आ की मात्रा लगी तो या। र पर आ की मात्रा लगी तो रा। ल पर आ की मात्रा लगी तो ला। व पर आ की मात्रा लगी तो वा। और श पर आ की मात्रा लगी तो शा। उसके बाद में बेटा श पर आ की मात्रा लगी तो शा। स पर आ की मात्रा लगी तो सा। ह पर आ की मात्रा लगी तो हा। छ पर आ की मात्रा लगी तो छा। और त्र पर आ की मात्रा लगी तो त्रा। उसके बाद में क्या बचता बेटे अपने पास में? ग्या। ग्या पर आ की मात्रा लगी तो ग्या। उसके बाद एक बार दोबारा देख लो बेटा। क पर आ की मात्रा लगी का। ख पर आ की मात्रा लगी खा। ग पर आ की मात्रा लगी गा। घ पर आ की मात्रा लगी घा। और अड़ पर आ की मात्रा लगी तो अड़ा। च पर आ की मात्रा लगी चा। छ पर आ की मात्रा लगी छा। ज पर आ की मात्रा लगी जा। झ पर आ की मात्रा लगी झा। और अण पर आ की मात्रा लगी अणा। ट पर आ की मात्रा लगी टा। ठ पर आ की मात्रा लगी ठा। ड पर आ की मात्रा लगी डा। ढ पर आ की मात्रा लगी ढा। और अण पर आ की मात्रा लगी अणा। त पर आ की मात्रा लगी ता। थ पर आ की मात्रा लगी था। द पर आ की मात्रा लगी दा। ध पर आ की मात्रा लगी धा। न पर आ की मात्रा लगी ना। प पर आ की मात्रा लगी पा। फ पर आ की मात्रा लगी फा। ब पर आ की मात्रा लगी बा। भ पर आ की मात्रा लगी भा। और म पर आ की मात्रा लगी तो मा। य पर आ की मात्रा लगी या। र पर आ की मात्रा लगी रा। ल पर आ की मात्रा लगी ला। व पर आ की मात्रा लगी वा। और श पर आ की मात्रा लगी तो शा। श पर आ की मात्रा लगी शा। स पर आ की मात्रा लगी सा। ह पर आ की मात्रा लगी हा। छ पर आ की मात्रा लगी छा। त्र पर आ की मात्रा लगी त्रा। और ग पर आ की मात्रा लगी ग्या। ये तो अपनों ने लगाई आ की मात्रा। याद रखना बेटा, आ की मात्रा सिर्फ ये एक डंडा होता है ना, ये वाला, वो आ की मात्रा होती है, ठीक है ना। और आ की मात्रा में मुंह पूरा खुलेगा। अब अपने कुछ शब्द बनाएंगे और साथ में चित्र बनाएंगे। पहले मैं चित्र बनाऊंगी, फिर अपने उसको लिखेंगे। तो यहां मैंने बनाया जैसे गले में क्या पहनते, आपको पता ही है बेटा क्या पहनते अपने गले में? हार पहनते। क्या पहनते बेटा? हार, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है पर आ की मात्रा लगी हा। और साथ में इसके लिखेंगे रे। हार, हार। दोबारा देखो बेटा, हा रे, हार, हार। उसके बाद में मैंने बनाया यहाँ पे जाल बनाना है। क्या बनाना अपने को? ये जालियां सी बना रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे अपने? जाल, जाल। तो जाल कैसे लिखेंगे? जय लिखा,
आ की मात्रा और ले, जाल जाल। एक बार फिर देखो, जय पर आ की मात्रा जा ले, जाल जाल। उसके बाद में अपने बनाते हैं यहाँ पर क्या बनाई मैंने ये, कार कार। ये क्या है बेटा, कै पर आ की मात्रा का रे, कार कार। फिर से देखो, कै पर आ की मात्रा का रे, कार कार। उसके बाद में बेटा मैंने ये क्या बनाया देखो आप, ये बनाया मैंने आम। क्या बनाया बेटा, आम बना दिया। क्या बनाया ये, आम। ठीक है, तो ए पर आ की मात्रा लगी आ में, आम आम। फिर से देखो, आ में आम आम। उसके बाद में बेटा ये क्या है आपको पता ही होगा, गाजर। देखिए ना, अपनों ने तो ऊपर ये ग्रीन ग्रीन देखा नहीं, जब ये जमीन में लगी होती तो ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं ना, तो ये क्या है बेटा, गै पर आ की मात्रा लगी गा जय रे, गाजर गाजर, गा जय रे, गाजर गाजर। उसके बाद में अपने लिखते हैं, क्या है ये, मटका। क्या है बेटा ये, मैट का मटका। तो इसको लिखते हैं अपने, मैं फिर टे कै पर आ की मात्रा लगी का, मैं टे का मटका। एक बार फिर देखो, मैं टे का, मैं टे का मटका। बेटा अपने को इनसे कुछ नहीं लेना, अपनों ने यहाँ क्या बनाया ये, नाक। क्या बनाया बेटा ये, नाक। तो ने पर आ की मात्रा लगी ना और साथ में लगाया मैंने कै, नाक नाक। एक बार फिर देख लो, ने पर आ की मात्रा लगी ना कै, नाक नाक। उसके बाद में ये क्या है बेटा, कान। क्या है बेटा ये, कान है। तो कै पर आ की मात्रा लगी का ने, कान कान। उसके बाद में दोबारा देखो, का ने कान। उसके बाद में एक और देखो बेटा, ये क्या है, इसको अपने घर बोलते थे दो वर्णों के शब्द में। घर को और क्या बोलते हैं आपको पता है, घर को क्या बोलते हैं बेटा, मकान। क्या बोलते हैं घर को, मकान बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, मैं कै पर आ की मात्रा का ने, मैं कान मकान। एक बार फिर देखो, मैं कै पर आ की मात्रा का ने, मैं कान मकान। उसके बाद में बेटा जैसे ये पूरी बना ही देते हैं अब अपने, फिर उसके बाद में बेटा ये
ये क्या बना रही हूँ मैं? हाथ। क्या बना बेटा ये? हाथ बन गया। इसको कैसे लिखेंगे देखो, है पर आ की मात्रा लगी हा थे, हाथ हाथ, हा थे हाथ हाथ। उस एक बार फिर देखो बेटा, ये क्या अपने पास में? हार है जो गले में पहनते हैं, तो है पर आ की मात्रा लगी हा रे, हार। है पर आ की मात्रा लगी हा और साथ में लगाया रे, हार हार। ये क्या है बेटा? ये है जाल। जय पर आ की मात्रा लगी जा ले, जाल जा ले जाल। ये क्या थी अपने पास में? कार। क्या थी ये? कार। तो कै पर आ की मात्रा लगी का रे, कार कार। कै पर आ की मात्रा लगी का रे, कार कार। ये क्या अपने पास में? मकान। क्या है बेटा ये? मकान। मैं। कै पर आ की मात्रा लगी का ने, मैं कान मकान, मैं का ने, मैं कान मकान। ये क्या था अपने पास में? गाजर थी ये, तो गा जे रे, गाजर गाजर, गा जे रे, गाजर गाजर। ये क्या अपने पास में? आम, तो ए आ मैं, आम आम, आ मैं, आम आम। ये क्या था बेटा अपने पास में? मटका। मैं टे का, मैं टे का मटका, मैं टे का, मैं टे का मटका। ये क्या? ये मैंने बाली पहना दी इसको। ये क्या बेटा? कान। कान में बाली पहनते आपको पता ही होगा, तो का ने, कान कान, का ने कान कान। ये क्या था? हाथ। हा थे हाथ हाथ, हा थे हाथ हाथ। ये क्या था अपने पास में? नाक। क्या था बेटा? नाक। ना के नाक, नाक, ना के नाक, नाक। ये सारे मैंने दो दो तीन तीन बार बोल बोल के करवा दिए बेटा। आप अपनी कॉपी में पहले क से लेके ग तक आ की मात्रा लगाओगे, उसके बाद अगले पेज पे चित्र बनाकर ये शब्द उनके सामने लिखोगे। मैंने चार बार लिखा है, तुम अपनी मर्जी से दो बार लिख लेना चाहे चार बार लिख लेना। सुंदर सुंदर लिखना, बोल बोल के लिखना, तभी तुम्हें याद होगा।